तो स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, क्योंकि इसको जाने बगैर तो बात जो है वो मुकम्मल नहीं होगी कि इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का और इसके अंदर इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है बेसिकली किन चीज़ों से डील करती है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज़ वेरी वास्ट वाई इट इज़ वास्ट बिकॉज इट हैज़

तो आज तक जितने भी फिलोसफर्स आए उन्होंने अपने अपने मुआरे की कहानियों को लिखा माशरे के अंदर होने वाली खराबियों को लिखा रियासत के किरदार को लिखा हुक्मरानों के किरदार को लिखा और बाज़ ने दो तो हुक्मरानों की असलाहत के लिए उनके के लिए तजावीज़ भी दी तो वो सब जो है वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का थियोरेटिकल स्कोप है ठीक है क्योंकि जब भी कोई माशरे और रियासत के लिए लिखेगा तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी उससे ख़ुद को अलहदा नहीं कर सकती तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बेसिकली डील करती है एक्सप्लेन करती है वेरिएबल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो बेस करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को और फिर ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस जो बेस जो, sorry, बेस करती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो इन दोनों के मिक्स होने से बनता है कैसे सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे जैसे मैंने पहले बात की कि हम अगर देखें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बेस क्या है माशरा है माशरे में पहले लोग जंगलों में रहते थे तो तब भी उनकी ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी भी हमें समझना ज़रूरी है फिर आहिस्ता कबाइल बने तो ज़िंदगी की एक और शक्ल आ गई फिर कबाइल के बाद लोगों ने बाकायदा तौर पर गाँव बनाए उसके बाद लोगों ने शहरों का रुख किया तो उस सब के साथ साथ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते चले गए असूलों कवान बनते चले गए ये असूलों कवान जब सियासत के साथ लिंक हुए तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो गए और बाकायदा तौर पर दस की शक्ल इख्तियार कर गए शहरों के निज़ाम बने मुल्कों के निजाम बने इन सब निज़ामों के लिए एक तरफ प्रैक्टिकली डेवलपमेंट्स हो रही थी और दूसरी तरफ बकायदा तौर पर इल्मी बहस चल रही थी तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो स्कोप है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं ये बेसिकली उस इल्मी बहस का भी अहाता करते हैं और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट्स हैं इन दोनों को ये कंबाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ स्टेट है और ये स्टडी है स्टेट और सोसाइटी के इंटरेक्शन तो ये बड़ी मज़े की बात है कि कैसे इंटरेक्ट कर सकता है कोई सब्जेक्ट माशरे के साथ भी और स्टेट के साथ भी कैसे कर सकता है हाँ बिल्कुल यही बात हमें समझनी है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं पावर को स्टडी करते हैं पावर के साथ साथ गवर्नमेंट को फिर अथॉरिटी को और फिर उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट को समझेंगे तो जाहिर है गवर्नमेंट के अदारों को समझेंगे अदारों के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकर कौन होता है फ़ैसला कौन करता है और फिर फैसला कैसे किया जाता है ये भी तो आ जाएगा ना क्योंकि सिर्फ फ़ैसले को समझना इम्पॉटेंट नहीं, नहीं है फैसला साजी को समझना इम्पॉटेंट नहीं है फैसला क्यों किया गया रूल मेकिंग कैसे होती है रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है और फिर अगर रूल अप्लाई ना हो तो आउटकम क्या आता है तो ये सारे मामला जो हैं ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पार्ट है अब अगर हम ये देखें कि जो इंटरप्रटेशन्स होती हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के स्कोप के लिए उसके अंदर समटाइम्स उसके कुछ मेरिट्स होते हैं कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं लेकिन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली व्हेन वी दैट इट इज़ बेसिकली ट्राइज़ टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन ऑफ़ स्टेट एंड सोसाइटी एंड इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी देन एक्चुअली वी हैव टू कवर बोथ द कोऑपरेटिव साइड ऑफ दैट इंटरेक्शन एज वेल एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ठीक है द तो स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर दोनों के अंदर जो चीज़ बुनियादी तौर पर समझनी है वो ये है तो कुछ अच्छी बातें हैं कुछ कहीं जहाँ इख्तलाफ है वो भी हमारा टॉपिक बनता है अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी रिलेशनशिप देन वी कैन से दैट फर्स्टली प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी दैट इज़ एक्चुअली द की विच हैज़ डिटर्मंड that political sociology is a separate subject political sociology has its individual identity in the field of academia so in ancient times there was no difference between state and society it is a the fact then the greek philosophers they emphasizes on the social basis of government and states they talked about the morality they talked about the laws they talked about the justice so when these concepts entered in the domain of politics then it is uh, the beginning of the combination of the social basis of government and state then during the middle ages this, this distinction was made by various philosophers and state was declared as a limited organization that has to work under the supremacy of church that was a the Western concept, when they talked about the church and the state and their relationship, then the world saw the industrial revolution. Then their uh, industrial revolution was basically uh, witnessed the demise of feudal society and the uh, downfall of the uh, rule of the church in affairs of the state. Then another important development when Karl Marx introduced the class system uh, in the uh, specifically in the domain of the social and political structures. Because Karl Marx said, both important contribution Karl Marx te. he introduced the concept of class system, he introduced the concept of haves and have nots. Jo hai, wo basically बेस करते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं कुछ के पास नहीं है और फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है सिस्टम के साथ कि जिनके पास नहीं है उनको उनका हिस्सा यहाँ कैसे दिलवाया जाए फिर ताल मार्क्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय मैक्स वेबर बिकॉज मैक्स वेबर सेट दैट पावर इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ सोशल एनालिसिस दैट हु इन्जॉय द पावर सो मेक्स वेबर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिट Max Weber introduced the concept of class, class on the basis of specialization. The who skilled hain, log jo trained hain, log jo educated hain, they have a specific status in every type of state and society. Then uh, another development that after the World War II, literature basically focused on the. स्टेट सोसाइटी डिबेट बट ऑन पोलिटिकल चेंजेस रेवोल्यूशन एंड मैस मूवमेंट्स एंड देयर सोशल बेसिस दूसरी जंग अजीम के बाद हम सब देखते हैं कि दुनिया के अंदर अब जो लिटरेचर आ रहा है यहाँ पर आमतौर पर जो डिबेट हो रही है वो ये है कि जिन माशरों के अंदर स्ट्रगल चल रही है जिन माशरों के अंदर लोगों की डिमांड्स हैं और स्टेट उनको पूरा नहीं कर रही तो फिर कौ, किस तरह के अख्तिलाफ होंगे फिर लोगों को कैसे मुतमन किया जा सकेगा तो एक नई फ़िज़ा एक नया मुकाबला लोगों के अंदर माशरों के अंदर अपनी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और कई दफ़ा हुक्मरानों की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है उनको कैसे उन्होंने ले कर चलना है ये सब की सब एक नई वेव है जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया ने डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन के नाम से और फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो नई से नई टर्म्स आती रहीं कभी टेररिज्म की टर्म कभी एक्सट्रीमिज़म की टर्म कई कभी टॉलरेंस की बात ये सब का सब स्कोप है और सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का